हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव का उपयोग कहाँ पर होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, किसी राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं। तो मान लो हम जैसे बोलते हैं कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर के लिए हम क्या करेंगे, dy बाय dx इसको फाइंड कर लेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हम उस राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेंगे तो वो आपकी परिवर्तन की दर आ जाएगी। तो सारे क्वेश्चन में इसी को हमको ज्ञात करना है, ये डी वाई पॉइंट डी एस का उपयोग करेंगे। क्लियर? तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.1। इसमें हमको क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है यदि आर का मान 3 सेंटीमीटर दिया है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फर्स्ट का ए करेंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल को ए बोल देते हैं, तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट करिए, 2 पाई आर। क्लियर? अब हमको यदि एक आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई और आर का मान 3 रख दिया, कितना हो गया, 6 पाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर घन का आयतन को हम ए मान लेते हैं और ए होता है ए क्यूब। ए क्या है, भुजा, भुजा कितनी है, ए। क्लियर? तो यहां दिया हुआ है कि आयतन जो है आपका 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब समय के सापेक्ष, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल की दर ज्ञात करना है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, S इक्वल टू होता है 6A। एक मिनट रुकना, इधर स्टॉप करना इधर। तो यहां बच्चे देखें, DA अपॉन DT कितना हो जाएगा, 6A² इंटू DA अपॉन DT। तो डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है आपका 8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 6A². अब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल एस इक्वल टू दिया है 6A², तो हमको डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है। तो डी एस अपॉन डी एस कितना हो जाएगा, 12A
इंटू डी ए अपॉन डी टी, क्लियर। तो 12 ए और डी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, 8 अपॉन 6 ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू ए, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 12 इंटू 8 अपॉन 6 और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके 12 सेंटीमीटर, तो 12 और 12 कैंसिल हो गया, 4/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो यदि हम मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और त्रिज्या जो दी है, त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है आपकी आर, और दिया क्या है आपका डी आर अपॉन डी टी, त्रिज्या के परिवर्तन की दर दी हुई है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो हमको क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर निकालना है, तो डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, आर के साथ ही डिफ्रेंशिएट करिए तो 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई आर, और आर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, तो 6 पाई इंटू 10 60 पाई, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उनको सभी छात्र करके देखेंगे, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लो, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि जैसे एक घन दिया हुआ है, तो घन की अगर कोर जो है ए है, ए का मान ए क्या है, घन का कोर, दिया क्या है आपका डी ए अपॉन डी टी, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हमको निकालना है, तो घन का आयतन इसको यदि हम b से डोनोट कर दें तो कितना होता है a क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे dv अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा dv अपॉन da इंटू da अपॉन dt, तो dv अपॉन da कितना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे 3 a स्क्वायर, और da अपॉन dt दिया हुआ है 3, यह आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 9 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 900। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसको नोट कर लें, और इसी टाइप के आप और भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उनको करिए, और हम अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट आर्टिकल पर हम क्वेश्चन कराएंगे। ओके, थैंक यू।